वेलकम टू फैशन शो। फैशन का है ये जलवा। आज हम एक दूसरे कपड़े पहनेंगे, वो भी फ्री में। मेरे कपड़े तो मेरी तरह ही वर्ल्ड वाइड सुंदर हैं। तुम लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। बाबू मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा, तुम मेरे पहन लेना। मैं जीनू के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगा, बहुत ही अजीब होते हैं। अबे बिल्ले, तू क्या जाने फैशन के बारे में? तेरे कपड़े पहनने से अच्छा मैं नंगा ही बैठ जाऊँ, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। बाबू तू मेरे कपड़ों में पटाखा लगोगे। हे बाबू के जानू, तेरे कपड़े मैं पहनूंगा, तू तो नंगा बैठने वाला था ना। ओ जाले, तेरे को मुझे नंगा देखने का बड़ा शौक है। नहीं, इतना भी सुंदर नहीं है तू। मैंने किसी कपड़े पहने तो पक्का वो फट जाएंगे, डिस्ट्रॉय मॉन्स्टर हूँ ना। मैं कपड़ों के साथ ये बटुआ फ्री में दूंगा, इसमें तुम अपना लाली लिपस्टिक पाउडर रख सकते हो। ये तो बहुत ही गंदा है। ए $100 का है, एक्सपेंसिव। फिर तो किसी ने लूटा है तेरे को। देखो तुम किसे कपड़े दोगे? मैं तो कुकी को देना चाहता हूँ। क्या दोगे चुमिया? कपड़े दूंगा बेशरम कहीं के। तुम सबकी गंदी सोच है। एक दिन है ना, मैंने तुम सबको गला घोट के मार देना है, फांसी लगा दूंगा जब। लेकिन बाबू सोना करना नहीं छोड़ेगा, हमें मार देगा। जिमी तो छोटू साइज के कपड़े किसी को फिट ही नहीं होंगे। नामजुन को मेरे कपड़े पहनने पड़े तो। सोच के हंसी आ रही है। मेरी पैंट नामजुन को कच्चा बन जाएगा और मेरी शर्ट नामजुन का ब्लाउज बन जाएगा। और मेरे कपड़े में तू चलता फिरता टेंट लगेगा। इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। दांत निकालना बंद कर। चलो एक दूसरे के लिए कपड़े लेके आते हैं। लेट्स गो। लेकिन बाबू के लिए कौन से कपड़े लूं? वो तो हर कपड़े में अच्छा लगता है। क्या दूं मेरे बाबू को? अरे ये फौजी वाली पैंट। क्या बोलती है पब्लिक? यही दूंगा मेरे बाबू को, एकदम थानेदार लगेगा इस कपड़ों में। मेरे बाल में थानेदार चला बेजी पिसी। मेरा बाबू फौजी बन के मेरे दिल के बॉर्डर पे कब्जा कर लेगा। किधर है इसकी? सामने छोड़ा, बगल में ढिंढोरा। मिल गई चेक। ये पहन के बाबू गोलियां भी चलाएगा ना तो मैं दिल पे खा लूंगा। ये है मेरे गुच्ची कपड़ों का खजाना। देखो तेरे पास इतनी टाइट टाइट बेचता है क्या? ₹10 का दे दे मेरे को। ₹10,000 का। इसको भी किसी ने लूटा है। इन लोगों को क्या पता कितने अनमोल है ये। मेरी कुकी ने गिफ्ट जो किया है। और ये टाई सबसे महंगी है, पूरे 3 लाख की। हमारे लिए तो 3 लाख कुछ भी नहीं है, हम तो कच्चा भी 5 लाख का पहनते हैं। और ये वाला सूट तो मैंने जीनू भाई के लिए खरीदा था, उनके बर्थडे के लिए। लड़कियों संभल के, मेरी हॉटनेस को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। ये देखो मेरी मॉडल वाली वॉक। फैशन का है ये जलवा। She got the styling and not even smiling and मेरे पास तो इतने कपड़े हैं कि मैं दुकान खोल लूं। ये वाला कपड़ा तो मैंने एक ही बार पहना है। ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मेरी बॉडी छुप जाती है। बॉडी बनाइए दिखाने के लिए, छुपाने के लिए? क्यों लड़कियों, क्यूट लग रहा हूँ ना? और जो बोलेगा मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ, तुम हेटर्स हो, आई हेट यू। इन कपड़ों को पहनने के बाद मुझे एसी की जरूरत पड़ती है। कपड़े के अंदर दो दो एसी फिट करवा रखे हैं। इस कपड़े में तो मैं कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा हूँ, कहीं नजर ना लग जाए, क्या करूँ? बाबा जी की माला पहन लेता हूँ। अब नजर नहीं लगेगी मेरे को। इसमें तो मैं फुद्दू लग रहा हूँ, लगने दो नजर, इतना भी सोना नहीं हूँ। अबू ने कपड़ा खरीदेगा वो? शायद मेरी बिल्लियों ने खरीदे होंगे, तभी बैंक बैलेंस खाली हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है सबसे सस्ता माल किधर है। मिल गया, ये रहा सरोजनी का माल, 1400 बोल रहा था, 140 में उठा के लाया हूँ। साले ने 140 में दे कैसे दिया, पक्का यूज माल है। लो छेद भी, अरे नहीं नहीं ये तो मुंडी डालने की जगह है। ये काली वाली दे देता हूँ, सबसे गंदी लग रही। अरे ये तो 4 लाख की है। नहीं नहीं इसमें तो अमीर हो जाएगा। hey, जिमिन क्या कर रहा है? ओ गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, लगता है गलत समय पे आ गया मैं। hey, जिमिन मेरे को कपड़े दे दे कुछ। मेरे कपड़ों तो बच्चों को फिट नहीं आते, तुम लेके क्या करोगे? दे वरना सबको बता दूंगा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो तो मम्मी थी, बता दो जाके। ये टी शर्ट तो अकेले पहनता या 2-3 लोग मिलके? साले रख इसको, नाइटी है मेरी ये। ओ मेरे पास से जूता मैच हो रहा है, समझ रहे हो? मेरा पर्स काट के जूता बनाया गया है। भाई मेरा डांस देखो, ला 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 लोरी दूध की कटोरी। ओ भाई भाई मत मार। लड़कियां तो फालतू में मेरे को डिसलाइक करती हैं, लड़कियों का साकिना का। कपड़े के साथ बेल्ट भी ले लेता हूँ, किसी ने मेरे कपड़े पहनने से मना किया ना तो इसी बेल्ट से मार मार के हाँ बुलवा दूंगा। आप सभी तैयार हो जाओ मेरा फैशन का जलवा देखने के लिए। मेरी कोई पोछा मारने वाली शर्ट है क्या? वो दे देता हूँ। मेरी ये चमचमाती शर्ट के साथ लाल पजामा जो भी पहने
लगेगा। ओह माय गॉड, इतना टैलेंट मेरे पास ही क्यों है? ये रही मेरी सफेद शर्ट और काली टाई, बना के दे देता हूँ। दूसरे मेंबर को टाई बनानी नहीं आती है ना। बन गई। ये रहा मेरा पूरा का पूरा लुक, अच्छा है ना? मिल गए पोछा मारने वाले कपड़े। बदबू आ रही है, साइड में रख देता हूँ। ये काली काली टी शर्ट भी ले लेता हूँ। मैं तो बिना टी शर्ट के भी पहन लूँ क्योंकि मेरे पास सिक्स पैक है, लेकिन उन लोगों के पास तो बाबा जी का ठुल्लू है और ये बंदर वाली टोपी भी। अब लगेंगे सबके सब नमूने। ये तो जोकर के कपड़े लग रहे हैं। ये मैंने भिखारी से इंस्पायर होके बनाए टोपी के साथ। ये पैंट तो मेरी है जो कचरे में फेंकी थी, मैंने उठा ली। मेरे कपड़े तो किसी को फिट ही नहीं होंगे। ये कपड़े तो मम्मी ने दिलाए थे जब मैं 12 साल का था। कहा था जब तू बड़ा होगा तो ये फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे को फिट नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ है, शायद लगवा धर गया मेरी हाइट को। जिस दिन से कपड़ा खरीदे तभी से मेरी हाइट पे ब्रेक लग गया है। ये भी मेरे को फिट नहीं होते, ये भी किसी को दे दूंगा। दान करना चाहिए दोस्तों। और ये पापा ने दिलाए थे, ये भी फिट नहीं हुए, ये भी किसी को दान दे दूंगा, पुण्य मिलेगा मुझे। जिमी से मैंने कपड़े मांगे, उसने दिया नहीं, कोई फायदा नहीं। चूहे जितने तो कपड़े हैं उसकी छुट्टी छुट्टी। मैं अपने कपड़ों के साथ एक टोपी भी रख देता। लग रहा है ना टोपी बाय? जी सर। थैंक यू। कौन सा कपड़ा लेके आए हो तुम लोग? मैं दो दो कपड़े लेके आया हूँ, एक छोटे आदमी के लिए एक बड़े आदमी के लिए। दो दो कपड़े लेके आया, मैंने एक मांगी थी, दी नहीं। जिमिन तेरे कपड़े मुझ पे ब्लाउज जैसे लगेंगे, मैं नहीं पहनूंगा। अरे ब्लाउज लगेगा तो साड़ी पहना देंगे आपको। oh, no. बहुत बड़ी होती है साड़ी, वो तो कम नहीं पड़ेगी ना। मतलब आज तू अपने कपड़े पहनवा के मानेगा? सही पकड़े हैं, मैं तो कचरे में से उठा के लाया हूँ कपड़े। तो चलो फिर फैशन शो शुरू करते हैं। हम लगाने जा रहे हैं लाली लिपस्टिक पाउडर। सभी के कपड़े आ गए ना दोस्तों? हाँ हाँ आ गए। ये तो कपड़ों की दुकान लग रही है। अपुन जिमिन के कपड़े नहीं पहनेगा, छोटे पड़ जाएंगे। तो कौन कह रहा मेरे कपड़े पहनने को? नंगा चला गया स्टेज पे नंगू बाबा बनके। ये किस आइटम का है रे? दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसकी गर्लफ्रेंड है, उसी के मोजे लेके आया ये। चुप हो जा यार, गर्लफ्रेंड भी वीडियो देखती है प्लीज। लड़की का चक्कर छोड़ दे भाई, मेरे को दे दे। ये कपड़ा मैं कचरे में फेंकने वाला था, फिर सोचा तुम जैसे गरीबों को दे दूं। गरीब कौन है यहाँ पे, हम सब तो बिलियनर्स है बिलियनर्स। आर यू रेडी? जगह चेंज करो, उधर जा बाबू कम है यार। नहीं इधर आऊंगा ना। ना तू अपने बाबू के पास जा, मैं नहीं जाऊंगा। हे जी मिंटू आ जा इधर। बेटा इस बार अच्छे से रिकॉर्ड कर लियो। इस बार मंत्र मार देता हूँ। जिमिन के पास चला जाए नमः। ये दीवाने लेकर वाले हैं इश्क में कैसे हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो जो मुझे चाहिए होल लेके रहता हूँ। बेटा मौज कर दी, बेटा बेटा शादी मुबारक हो मिसेस यूंगी। अब शादी नहीं हुई है, सिर्फ फूल दिया है मेरे को उसने। सब तैयार हो जाओ, ये फूल बिल्लू के पास पहुँच जाए। मेरे बिल्लू बिल्लू कितनी देर लगाएगा, इतने में तो मौत आ जाएगी। ये फूल गया है कुकी के पास। बाबू मैं तुम्हारी तरफ फूल फेंकूंगा, पकड़ लेना। बाबू के चक्कर में पगला गया लौंडा। मेरा बाबू छेल छबीला, मैं तो नाचूंगी। जगह चेंज करो, जगह चेंज करो। चालू मत बन, तू ही पहनेगा कुकी के कपड़े। मुझे नहीं पहनना इसके फौजी वाले कपड़े। फिर से फूल फेंक कुकी। शुगा तेरे पास ही फेंकूंगा। oh, no. ये फूल जाए शुगा के पास। अब बेटा शुगा के पास आया है जी। ध्यान से देखो, हॉबी के पास आया है। टकला तू बता किसके पास आया है? आई थिंक शुगा के पास। ओए टकला, तेरे को बिल्लियों से नचवाऊंगा। अब बारी है जीनू की। भगवान मुझे मौत दियो, लेकिन इसका फूल मत दियो। मैं बीच में नहीं आऊंगा, हट जा। मेरे गुलामी गुलाबी कपड़े पहनने वाला खुश नसीब है जी। हो भगवान बचा ले। हाबी मेरे भाई, नहीं मुझे नहीं पहनना। पिंक ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। जीनू तो बीच में है, इसको कैसे पता चल गया?
मुबारक को, हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे। मेरे कपड़े फाड़ मत दियो, मेरे कपड़े पहन के क्योंकि सेक्सी लगेगा। कपड़ा ब्लाउज इतने छोटे हो तो सेक्सी ही लगेगा, ये वाला पहन ज्यादा सेक्सी लगेगी। वाओ कितनी अच्छी लग रही हो तू। मोची बेबी क्या चल रहा है? कुछ नहीं बिल्लू, वो मैं फिसल गया था इसकी बॉडी पे। अब सुगा का मुक्का फिसलेगा तेरी बॉडी पे। मोची बेबी तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कपड़े लेके आया हूँ। तूने तो कहा था पोछे वाले कपड़े। पोछे वाले ही है, हमारे पोछे भी ब्रांड न्यू होते हैं। देख स्टिकर पराठा का है, पराठा का कुकी तुम्हें मेरे लिए लाए थे ना, लेकिन मेरी फूटी किस्मत ये बिल्लू को मिल गई। आर्मी वाले कपड़े पहन के शुगर लड़कियों के दिलों पर गोली चलाएगा। धाई 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 धाई। फिर लड़कियां बोलेगी हाय दया माता लरी, प्यार का मलहम लगा दूंगा ठीक हो जाएंगी रे। जीनू तुम मेरे कपड़े पहनोगे तो तुम वर्ल्ड वाइड भिखारी लगोगे। अच्छा इस टोपी में भीख मांगना है। दोस्तों ये देखो इसका गंदा पर्स। हाय बिल्लू, गंदा नहीं है, एक्सपेंसिव है, $100 का खरीद के लाई थी मम्मी। मेरे पर्स के साथ जूता भी दे रहा हूँ तेरे को, अच्छा लगेगा तेरे पे। ये जूते तो यूज करे हुए हैं, साफ भी नहीं किए इसने। देखा छी छी छी, गोबर लगा हुआ है इसमें। अंदर गोबर नहीं है, डिजाइन है वो। कभी जूते तो खरीद ही नहीं, पता क्या हुआ तेरे को? मुंह बंद कर ले वरना यही मुंह पे छाप दूंगा तेरे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भैया। तेगुआ इन कपड़ों में तुम बॉडी बिल्डर लगोगे, मैं पहन के दिखाता हूँ। लड़कियाँ घायल मत होना नामजिन को देख के। इसको फेंको। बॉडी तो मेरी भी है लेकिन आजकल छुट्टी पे गई है। जब छुट्टी मना के आएगी तो दिखाऊंगा तुम सबको। ये पहनोगे तो लड़कियाँ तुम पर पागल हो जाएगी, कहेगी कौन है ये क्यूटी पाय मेरा गोलू मोलू। लड़कियाँ तो वैसे भी मेरे पीछे पागल हैं। हाथ फंस गया रे। ये स्वेटर है, रजाई लग रही है, रजाई मोटी मोटी रजाई। ये टोपी पहन के तो तुम हॉट लगोगे। हमारा तेगुआ पहले से ही हॉट है, अब ये पहन के कहीं जल ना जाए। बहुत हुआ, गर्मी लग गई रे। कितनी भेड़ को नंगा किया था इसे बनाने के लिए तूने? 10 भेड़ ओनली। तेगुआ तो कोई महंगा कुछ लेके आया। नामजिन भाई आप इसे पहनोगे तो वर्ल्ड वाइड सुंदर हो जाओगे। अब मैं आप तो पैदा वर्ल्ड वाइड हैंडसम हुआ है। शांत शादी, तुम ही वर्ल्ड वाइड सुंदर और कोई नहीं। इसे पहन के तो नामजिन माल बन जाएगा माल। अबे मत बोल, हार्ट अटैक दिलाएगा क्या इसको? आरन सुंदर है तो मैं तो मर ही जाना जहर खा के। तो मर जा, मैं हूँ सुंदर। पंटर लॉक, चलो कपड़े चेंज करके आ।